जिला अस्पताल में 5 दिनों बाद बृहस्पतिवार की सुबह 200 वायल ARV वैक्सीन मुहैया हुई। इसके पश्चात मरीजों को वैक्सीन लगना शुरू हुआ। आपको बता दें, शनिवार की दोपहर बाद से जिला अस्पताल में समाप्त हुए ARV वैक्सीन के बाद बृहस्पतिवार को भारी संख्या में मरीज जिला अस्पताल के OPD में पहुंचे। इस दौरान करीब 250 मरीजों को ARV वैक्सीन लगाया गया। इस संबंध में जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि 1500 वायल वैक्सीन की मांग की गई थी, 200 वायल मिल गई है। पहले दिन ही 250 मरीजों को वैक्सीन लगाया गया है, जिसमें 55 वायल ARV वैक्सीन समाप्त हो गई। आगे वैक्सीन की कमी ना हो, इसके लिए डिमांड भेजा गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने कहा, बुढ़ा ना बच्चन खातिर अलग लाइन होवे के चाहिए ना, कौन बुढ़ा बा कौन बच्चा बा, कब तक? चलिए ठीक है, हम जवान है, हम 2 घंटे 4 घंटे खड़े रह जाएंगे। आज ARV मेरे पास अवेलेबल थी, 200 वायल मिली है, 55 वायल खर्च हुए हैं, जिसमें 250 लोगों के लगभग ARV दिया गया है। सर कितने दिनों से ARV खत्म थी और आज कितना वायल आपको ARV मतलब उपलब्ध हो गया? बताया तो 200 वायल उपलब्ध हुई थी, जिससे 55 वायल आज खर्च हो चुके हैं, और बृहस्पत शुक्र शनिवार ये तीनों दिन ARV नहीं थी, बृहस्पत को दोपहर बाद खत्म हुई थी। सर क्या ये 200 वायल की ARV में कितना देर तक अब मैं 4-5 दिन इसके लिए मांग पत्र जा रही है बार बार। लखनऊ भी कॉरपोरेशन में प्रॉब्लम है, उनके पास भी ARV की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मैंने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से भी ARV खरीदने की कोशिश की थी उसके RC पर, लेकिन उनकी RC समाप्त हो चुकी है। पिछले बार अप्लाई किया था, उस बार वो सब आपूर्ति नहीं की।